विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन रहा। प्रश्नकाल 3 दिन तक प्रश्नकाल चला। बाढ़ और सूखे पर विशेष चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान विपक्ष के निशाने पर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1:15 बजे संबोधन होना था, उससे ठीक पहले 12:30 बजे अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर में सदन में अपनी बात रखनी थी और सरकार के सम्मुख कुछ सवाल रखने थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही बाढ़ और सूखे पर हालातों पर बात रखनी शुरू की, उससे पहले किसानों का मुद्दा, किसानों को गन्ना मूल्य, गेहूं मूल्य कितना मिल रहा है, इस पर सवाल से तीखे सवाल उन्होंने सरकार से किए। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव के निशाने पर जिस तरीके से पूर्व में भी सरकार लगातार 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है, लेकिन अखिलेश यादव का सिर्फ सवाल यही रहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जिस तरीके से सरकार बात करती है कि हम किस तरीके से प्रदेश को किस तरीके से विकास की राह पर ले जाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें नाकाम है। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने कहा अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और वो पिछले 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रदेश में विकास हो रहा, और प्रदेश में जब विकास होगा तो इसमें उनकी भी भूमिका रही है क्योंकि वो भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले तक जब भी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की, तो किस तरीके से बिचौलियों के थ्रू किसानों को जो मुआवजा मिलता था, मदद मिलती थी खेती की, उसमें किस तरीके से बिचौलिया जो है काम करते थे। लेकिन अखिलेश यादव का सवाल सिर्फ एक था कि कागज पर और धरातल पर काम करने में बहुत फर्क है, कागजों पर आप कुछ भी दिखाइए, धरातल पर काम कितना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चांदी के चम्मच को लेकर अखिलेश यादव पैदा हुए हैं और शायद वो किसानों का जो मुख्य समस्याएं हैं उससे शायद वो दो चार नहीं हुए, इस वजह से उनको नहीं पता है कि किसानों को प्रतिवर्ष कितनी मदद सरकार करती है। वहीं मुख्यमंत्री निधि योजना से किसानों को कितना लाभ मिला है, या फिर अन्य जो लोग हैं जो दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठते हैं या कोई त्रासदी के तहत जब वो अपनी जान गंवाते हैं या घायल होते हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको कितनी मदद मिलती है, उन्होंने जिक्र किया पिछली सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल को खास तौर पर उन्होंने कहा कि चाचू अभी भी समय है, आप चाहें तो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अभी भी आप भतीजे के साथ हैं तो भतीजे को कम से कम ये दिमाग दीजिए कि सरकार में किस तरीके से मदद की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की ये जो चर्चा थी, नोकझोंक भी चल रही थी बीच बीच में, लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि जो भी चर्चा थी इस बार, पिछले कई बार से अगर देखा जाए जिस तरीके से सदन में जब भी चर्चाएं होती थी या प्रश्नकाल होता तो हंगामा होता था, हंगामा इस बार भी देखने को मिला है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव बोल रहे थे और नेता सदन के रूप में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो दोनों के बीच में ही ये चर्चाएं जो थी वो सामान्य स्तर पर थी, और कोशिश ये की गई थी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के जरिए कि ये जो चर्चा है वो परिचर्चा में ना बदले, इस पर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन है या किसी भी तरीके का अगर आपको सवाल करना है तो आप अपना सवाल टेबल कर सकते हैं, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन बोल रहे हैं उसके बाद। लेकिन इस बार की चर्चा में खास तौर पर देखा गया कि जिस तरीके से प्रदेश में कुछ जगह बाढ़ के तो कुछ जगह सूखे के जो हालात हैं उस पर सरकार जो है वो कैसे नियंत्रण कर रही है, सरकार किस तरीके से वहाँ पर स्थिति को गंभीरता से ले रही, इस पर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर चर्चा की। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ अमरीश सिंह, A1 TV News।